हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेस्टर्न स्टाइल में शाही मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जिसको बनाना एकदम ही सिंपल है और इसे हम बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शाही मलाई कोफ्ता बनाना बिना कोई टाइम वेस्ट किए। शाही मलाई कोफ्ता बनाने के लिए पहले हम कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे, फिर बाद में इसकी करी बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 1 कप ग्रेटेड पनीर लिया है, 1 कप बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो लिया है, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते लिए हैं, 2 ग्रीन चिलीज लिए हैं फाइनली चॉप, 1/2 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर लिया है, 1 टेबल स्पून 2 टुकड़ों में कटे किशमिश लिए हैं, 1 टेबल स्पून चॉप्ड काजू लिया है। हम यहाँ नमक लेंगे स्वाद अनुसार। फिर हम इसमें लेंगे 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर फॉर बाइंडिंग। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये खुद ही बिना पानी के आराम से बाइंड हो जाते हैं। तो डो बनकर रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे लोइए तोड़कर इसे गोल या सिलेंडर अपने पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने पहले कुछ सिलेंडर शेप के बनाए हैं, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। फिर मैंने बचे हुए लोइयों के गोल शेप के कोफ्ते बना लिए हैं। हमने सारे लोइयों को शेप दे दिया है, तो चलिए अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब हम इसमें धीरे धीरे सारे कोफ्ते डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। कोफ्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। सेम वे से हम बाकी बचे हुए कोफ्ते को भी फ्राई कर लेंगे। हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं मलाई कोफ्ते की मलाई वाली शाही ग्रेवी बनाने की तरफ। मलाई कोफ्ते की करी बनाने के लिए पहले हम एक पैन को हीट कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और बहुत सारा बटर। फिर हम इसमें एक एक करके सारे खड़े मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 दालचीनी डाला है, 2 तेज पत्ते डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाला है, 2 छोटी इलायची डाला है, 3 लौंग डाले हैं, 1/4 टेबल स्पून खड़ा जीरा डाला है। फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप गार्लिक और 1 कप फाइनली चॉप ऑनियन और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक जो ऑनियन का कलर है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप ग्रीन चिलीज, 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर और इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप फाइनली चॉप टमाटो डाला है और 12 से 13 काजू डाले हैं। फिर हम यहाँ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। फिर हम यहाँ डालेंगे 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और फिर हम इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और टमाटर को गलने और काजू को सॉफ्ट होने तक इसे ढककर पकाएंगे।
5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो टमाटर जो है वो भी अच्छे तरीके से गल गया है और काजू जो है वो भी पूरी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इस मिक्सचर को हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से पहले हम इसे तेज पत्ते निकाल लेंगे। अभी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से सारे खड़े मसाले और टमाटर के जो छिलके होते हैं वो निकल जाएंगे और ये ग्रेवी एकदम क्रीमी जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो हमने करी को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, तो चलिए अब हम फिर से इसे पकाने की तरफ चलते हैं। तो इसे पकाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हम उसमें अपना करी डाल देंगे। फिर जब इसमें उबाल आने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा कप मलाई, यहाँ मैंने फ्रेश मलाई का यूज़ किया है, थोड़ा सा चीनी लगभग हाफ टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर से हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो करी हमारा बनकर तैयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमें करी को कोफ्ते के ऊपर सर्व करना है, ना कि कोफ्ते को करी में डालना है। तो इसलिए पहले हम एक प्लेट में कोफ्ते निकाल लेंगे और इसके ऊपर से हम अपना गर्मा गर्म करी डालेंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग थोड़े से हरे धनिए और फ्रेश मलाई से कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। ये देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है उससे भी ज़्यादा डिलीशियस ये खाने में लगता है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।